स्कूल प्रशासन की ओर से अभिभावकों पर बच्चों की फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। शिक्षा को व्यवसाय समझने वाले ये स्कूल अभिभावकों को किसी तरह की राहत देने के मूड में नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस वसूली से लोग परेशान हैं। मृदुभाषी ने पूरे मामले में कांग्रेस का भी पक्ष जानना चाहा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस अवैध वसूली के विरोध में सड़क पर उतरने की बात तक कही है। शेयर कांग्रेस कमेटी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने माननीय कमलनाथ जी से लेकर हम सब नेताओं की हम बार बार ये मांग कर रहे थे और मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल फीस जो स्कूल संचालकों ने मनमानी और दादागिरी के हिसाब से जो फीस वसूल रहे हैं, ऐसी कोविड की महामारी जो 3 महीने से लॉकडाउन था, पूरा शहर पूरा प्रदेश उसके बाद भी वसूली कर रही है। हमने मांग करी थी शिवराज सिंह चौहान से, मध्य प्रदेश शासन से, कि आप या तो बच्चों के स्कूल की फीस माफ करें और जो संचालक जो स्कूल चला रहे हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार मुआवजा दे। क्यों? राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सब ने वहां पर यही पैटर्न अपनाया, उसी पैटर्न को हम यहाँ पर उनसे हमने मांग करी, किंतु उनके पास समय नहीं था। कल भी परसों भी हमने उनसे चिट्ठी लिखकर समय मांगा था कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल तीनों विधायकों के नेतृत्व में आदरणीय संजय शुक्ला, जीतू पटवारी जी और विशाल पटेल के नेतृत्व कांग्रेस का आपको 2-4 दिन में आंदोलन दिखेगा। एक तो स्कूल की फीस की मनमाफी को लेकर और दूसरा बिजली के बिल को लेकर और तीसरा जो प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है कोविड के नाम से, लाखों के बिल जो जनता को लूट रहे हैं, इन तीनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस अतिशीघ्र सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने वाली है। पहली से लेकर 5वीं तक जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है वो टोटल बंद किए जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लैपटॉप और वो मोबाइल पे जो है पढ़ाई का, जो छोटे बच्चे हैं उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, आंखों पे फर्क पड़ेगा, वो बंद किए जाना चाहिए टोटल। और दूसरा, जब स्कूल लगे ही नहीं, स्कूल लगे ही नहीं है लॉकडाउन से लेके अभी तक, तो फीस जो है नहीं ली जाना चाहिए। कल भी हमने ज्ञापन देने की कोशिश करी वहाँ, मगर हमको जो है पुलिस ने वहाँ पर जाने नहीं दिया। हमने फीस माफ़ी और कई मुद्दे उठाए थे कि फीस माफ़ की जाए और फीस नहीं ली जाए, इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और इसके साथ ही जब आप फीस की बात कर रहे हो तो आप स्टाफ को भी फीस कहाँ दे रहे हो? आप स्टाफ को फीस दे ही नहीं रहे, ना शिक्षक को दे रहे हो, स्कूल लग नहीं रहे, जो बस चलाते थे उनको सबको आपने रवाना कर दिया, तो आप फीस किसको देना चाहते हो? तो संस्थाओं को ये सोचना होगा, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जब स्कूल लगे ही नहीं तो फीस पूरी तरीके से माफ होना चाहिए। तो उज्ज्वल नहीं दिख रहा, जो पहली से 5वीं तक जो बच्चों कंप्यूटर और या मोबाइल चलाते हैं इसके अंदर इनको किसी बच्चों को आता भी नहीं है पहली बात तो, और इनसे जो फीस है, जो फीस जो माफ उनकी माफ करी जाना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई कोई आता नहीं है बच्चों को। और मैं यही चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने माफ़ को आपका जो भी करा होगा उसके लिए मेरे को अंदाज है कि ये होना नहीं चाहिए गरीब बच्चों के लिए। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूली जा रही है, जबकि छोटे बच्चे जिन्हें खुद से लिखना तक नहीं आता वे ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ेंगे। रिसेंटली मेरी सिस्टर के एडमिशन हुआ था क्लॉथ मार्केट में, जो बड़ा गणपति के साइड है, वहाँ पे मुझे मेरी सिस्टर का एडमिशन कराना था। वहाँ पे उन्होंने बताया गया कि ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। जब मैं वहाँ गई तो देखा गया कि ट्यूशन फीस में एक्टिविटी फ़ीस भी इंक्लूड थी। चूँकि अभी लॉकडाउन के कारण कुछ चल नहीं रहा है तो पूरी फ़ीस भर पाना मुश्किल है, चूँकि हमारी मजबूरी है उस स्कूल में एडमिशन कराना, तो वो हमें ये धमकी देते हैं, या तो आप एडमिशन, अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपको पूरी फ़ीस भरनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप मत कराइए। तो पूरी फ़ीस भरना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है और वो हमें धमकी दे रहे हैं कि आपको पूरी फ़ीस तो भरनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसे पता नहीं चलता है। देखिए, इससे सारे पेरेंट्स भी परेशान हैं इसी चीज़ को लेकर कि ट्यूशन फ़ीस के बदले ये लोग पूरी फ़ीस वसूल रहे हैं, साथ ही साथ जो न्यू एडमिशन जो हो रहे हैं उसमें भी ये लोग पूरी फ़ीस ही ले रहे हैं, जिससे परेशानी ये हो रही है कि एक तो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के चलते किसी का बिज़नेस नहीं चला, कोई जॉब पर नहीं जा पाया, कई लोग बेरोज़गार भी हो गए, बट उनके बच्चों को पढ़ाने के बच्चों की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए कहीं ना कहीं से पैसे ला के इनको देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जनरली बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉल करके परेशान करते जा रहे हैं कि हमें फीस दे वरना बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा।
तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है पालकों के लिए भी। अच्छा, अभी स्कूल तो जा नहीं रहा है, लेकिन ये स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं फूल पूरी नहीं तो आप स्कूल की ट्यूशन फीस दीजिए, लेकिन ट्यूशन फीस के बदले ये उसके चार गुना फीस वसूल रहे। हमारे पास पर्सनली फ़ोन भी आता है कि मैम आपके बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हुई, और हम चाहते हैं अभी बच्चे कोरोना काल में अभी स्थिति नहीं है कि इतनी फीस दे पाए हम स्कूल में बच्चों को, बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि ये स्कूल की फ़ीस अभी नहीं ली जाए। क्योंकि अभी स्कूलों में ही फीस नहीं आ रही है 90% स्कूलों में, उसके बाद भी हम लोग चाह रहे हैं कि भाई टीचर्स कंटिन्यू करें, है ना, तो उसमें यही रहेगा कि भाई जितनी फीस आ रही है उसके हिसाब से जो भी नेगोशिएट होता है टीचर्स का। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टीचर्स को भी ये बोल दिया गया कि भाई आप चाहे तो घर पे रह के पढ़ा सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं बच्चों को, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टीचर कहीं से पढ़ा सकता है। और अभी स्थिति तो ये है स्कूलों की कि बिल्कुल भी फीस नहीं आ रही है और उसमें स्कूल चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मैं आयुष त्रिवेदी और आज हम मौजूद हैं एक आम जनमानस से चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर स्कूलों के द्वारा जनता से फीस वसूली जा रही है और फीस के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है। तो आप ही बताइए कि जिस प्रकार स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन कक्षा के नाम पर फीस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? दबाव बनाया जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी बराबर नहीं हो रही है, फीस मांग रहे हैं और बच्चों को मोबाइल का भी बोल रहा है और अभी काम धंधे भी और फीस मांग रहा है, तो कहाँ से देंगे, परेशान है सब। आपके पास पर्याप्त साधन है ऑनलाइन कक्षा को बच्चों को कराने के लिए? तो आप फिर कैसे इसको मैनेज करती है, कैसे? अभी जा रहे हैं बच्चे स्कूल, जा रहे हैं छोटे बच्चों को, जैसे आप पहले कह रहे थे कि मोबाइल से दूर रहो, अब उनको यही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि मोबाइल के साथ रहो, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मोबाइल से हटाना चाहिए स्कूल में, ऑनलाइन पे जो मोबाइल पे पढ़ाई चल रही है। तो आप स्कूलों को क्या कहना चाहेंगी? स्कूल वालों को आप बताइए मैडम, ये जिस प्रकार ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चों से फीस वसूली जा रही है, जिस प्रकार कोरोना हुआ उसके बाद लॉकडाउन, सही नहीं है, क्योंकि बच्चों के आईज में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है और इतना पैसा हम नहीं दे सकते हैं। लॉकडाउन के बाद परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम है पैसों का, कमाई बिल्कुल वैसी नहीं है जो फीस जितनी मांग रहे हैं, और मोबाइल में बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों की आईज भी खराब होती है और बच्चों को मोबाइल में ऐसा एकदम समझ में आता है जो कि क्लासेस में समझ में आया। तो ऑनलाइन सर आप किस प्रकार से देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कितनी पढ़ाई हो पाती है, क्या हो? बच्चे जो है ऑनलाइन पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे घर में नहीं पढ़ते, वो फीस मांगी जाती है और फीस दबाव बनाया जाता है बच्चों के लाओ फीस लाओ, अब फीस लॉकडाउन में हुआ है उसके सब कहाँ से लाएंगे, काम धंधे हैं, परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं, स्कूल वाले कहते हैं नहीं फीस भरो पूरी, प्राइवेट वाले भी कहते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, इसको सबको बंद करना चाहिए। बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है मानसिक स्तर के ऊपर, वो पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो पाती है और बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, बच्चों की मानसिक प्रताड़ना काफ़ी तकलीफदायक है, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों के ऊपर इसका मन के ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और वे इस स्थिति से गुजरने के बाद में शायद मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी उग्र स्थितियों से गुजरेंगे। विवेक खरे, देखिए ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, वो बस केवल पैसे मांग रहे हैं, वो भी हमारे से ट्यूशन फीस मांग रहे हैं लाखों रुपए में, वो चीज़ देना वाजिब नहीं हमारे। सर ऑनलाइन क्लासेस में आप क्या जानते हैं कितनी पढ़ाई हो पाती बच्चों की? देखिए केवल 20 मिनट पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चे भी उस चीज़ में ध्यान दे ही नहीं रहे, घर पे उनको पढ़ाई जैसा माहौल नहीं हो, पढ़ाई जैसा माहौल ही नहीं हो पा रहा है। जैसे छोटा बच्चा तो राइटिंग उसकी राइटिंग फेल हो गई, राइटिंग गई, रीडिंग का काम ऑनलाइन खराब हो रही है, ऑनलाइन में बच्चा क्या पढ़ेगा? ऑनलाइन अगर बच्चा पढ़ भी रहा मोबाइल में अगर गेम खेल रहा हो तो ऑनलाइन में क्या मालूम पड़ेगा? ट्यूशन फीस के नाम पर जो स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं वो एक तरह से थोड़ा सा गलत भी है, क्योंकि ट्यूशन फीस के साथ वो और भी चीज़ें स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है वो उसमें इंक्लूड होती है, एक सिर्फ नाम है ट्यूशन फीस है। माना कि टीचर्स मेहनत कर रही हैं ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, पर उसके लिए अब उनको जितना लगता है कृपया उतना ही लेना बच्चों से, मतलब पेरेंट्स भी अभी सब समस्या में है, हर किसी के पास इतना स्कोप नहीं है कि वो बच्चों के लिए पूरा फीस का अरेंज कर पा रहे हैं, एक बच्चा दो बच्चा तीन बच्चे हर बच्चों के, मतलब इतने सारे बच्चे होने के बावजूद घर में
सब बच्चों का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग पूरी फीस ना लेकर उसमें कुछ तो रियायत दिए जाए बच्चों के लिए पेरेंट्स को। ये बहुत गलत है ये चीज़ें जो आज, मतलब पेरेंट्स को टाइम नहीं है बिल्कुल भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जो भी चीज़ें हो रही है वो गलत है। मतलब फीस आज, मतलब लॉकडाउन के कारण लोगों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है और बच्चे आज घर पे हैं और पेरेंट्स जिनके माता पिता मतलब खुद कमाने जा रहे हैं दोनों, तो उनके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन कैसे मिल पाएगा? जो बच्चे स्कूल में रह के नहीं पढ़ पाते हैं वो घर रह के कैसे पढ़ पाएंगे? देखिए, पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय ने और सरकार ने ट्यूशन फीस वसूले जाने बाबत एक आदेश दिया था जिसके अंदर सिर्फ स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने की ही परमिशन दी गई थी, लेकिन अभी हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि कई स्कूल्स ट्यूशन फीस के साथ साथ डेवलपमेंट फीस, एग्ज़ाम फीस, मिसलेनियस फीस के नाम पर और कुछ स्कूल्स ऑनलाइन फीस के नाम पर बच्चों से एक्स्ट्रा फीस वसूल रहे हैं और उसी को ट्यूशन फीस का पार्ट बताकर मनमानी वसूली की जा रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा तानाशाही पूर्वक जो कार्य कर स्कूलों और कॉलेजों द्वारा किया जा रहा है, उस तानाशाही पूर्वक कार्य पर रोकथाम के लिए सरकार को कुछ नए कदम उठाने चाहिए। देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं मैं उसके पूर्णतः खिलाफ़ हूँ, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आज भारत का, सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत के कई क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर आज भी छात्र जो रह रहे हैं उनके पास पर्याप्त लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स की व्यवस्था नहीं है, कुछ कई जगहों पर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, कई जगहों पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनके पास रिचार्ज तक के पैसे नहीं हैं, वो लोग कैसे इतने बड़े बड़े डेटा प्लान्स, फोन्स, लैपटॉप्स को लेंगे। मृदुभाषी बन रहा है आपकी ऐसी ही समस्याओं के लिए आवाज। अगर आपकी भी नहीं हो रही है सुनवाई तो मृदुभाषी के व्हाट्सएप नंबर पर, यहाँ डिस्प्ले किए जा रहे नंबर पर आप भेज सकते हैं अपनी समस्या और हम करेंगे उसका समाधान। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए समाधान की बात मृदुभाषी के साथ पर। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।